भाई हरियाणा के रंग परिवार के संगे कार्यक्रम है जो लोटस फाउंडेशन की तरफ तक करवाया जाने लग रहा है तीज के ऊपर। और भाई वाह तीज जो हमारा हरियाणा की पहचान है सब तो बड़ी वाला त्योहार है दमन आलिया खतर तो सब तो घना क्योंकि भाई हरियाणा में ने जो पहला त्योहार है जो लुगाई सारी रण मिलके मिला है जिसमें बालक और आदमियां तो ज्यादा लुगाइया की एकलिया की भूमिका रो है पूरी सज धज के ऊपर बोरलो से लेके नीचे के पैरों के कड़ियां लग सारा वेशभूषा जो है पूरी हरियाणवी। और भाई शहर में ने देखने थे रह गए थे भूल गए थे भाई हरियाणवी कल्चर क्यों है। बस ये कार्यक्रम है ये प्रोग्राम है जिनने जिंदा रख रखा है हमारा ये पुराना हरियाणवी कल्चर जिन तक न्यू बेरा पढ़ता रहे कि भाई हमारी दादी हमारी नानी पढ़नानी के पैरिया कर दी। और आज का ये कार्यक्रम है वो जो है तरुण जैन जी की तरफ से करवाया गया है सबसे बातचीत करांगे और आज के क्या मस्ती करी के क्या धमाल करा और गुलगुले सुहाड़े खाए वे भी पूछांगे। तो तरुण जी सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई की बहुत बड़ा कार्यक्रम बहुत बहुत धन्यवाद जी बहुत बहुत धन्यवाद सभी को तीज की बहुत बहुत बधाई। अच्छा एक बात बताओ अक्सर जो है ना पुरुष जो हुए हैं और खास करते जो राजनीति में एक्टिव हो वो पॉलिटिकल इवेंट तो बड़े कर दे रहे हैं पहले इसे इंसान देखे हो जो तीज का प्रोग्राम करवाने लग रहे हो लेडीज खातर हो भी। देखिए जो हमारी बहने हैं हमारी मातृशक्ति है ये देखिए मैंने नहीं करवाया ये इनका सुझाव था और हम सब ने मिलके किया ये कि भाई एक तीज से पूर्व एक ऐसा प्रोग्राम होना चाहिए जिसमें सब लोग माताएं बहने छोटे बच्चे और सब उसको एंजॉय करे और पता चले कि हमारा कल्चर क्या है हमारी वेशभूषा क्या रही है। जैसे अभी आपने बताया कि हमारी दादी क्या पहनती थी हमारा डांस कैसा था तो उसी के नाते हमने आज ये छोटा सा एक प्रयास किया है। बिल्कुल अच्छा एक वो भाई इतनी सुंदर लग रहे हो ना तू तू हमारा हरियाणा है तो तुझका राग है लेकिन तू तू वैसे सुतरी तो देखो सारी लागे हैं पर हमने बता दो ये खा के गंदा लिगड़ा कर मिस हरियाणा रहे हैं ये। हां तो फिर वो दिखण लग रहे हैं वो ताज जैसे चमक चमक के बताने लग रहे हैं। वो कहते हैं ना कि दूध दही का खाना मेरा देश हरियाणा तो मैं हरियाणवी हूँ तो हरियाणवी तो अपने आप में एक टोरा है तो हरियाणवी तो नंबर वन है तो सुंदरता में भी नंबर वन है। इसके लिए क्लैपिंग कर दो एक बार अपने लिए खुद के लिए। हरियाणवी कल्चर तो एक नंबर है लेकिन दूध दही खाना तो बुकागे दूध दही मैं भी खाऊं 30-30 किलो दोनों साइड हो रहा है ना भाई बुकांदी को नहीं जो अपनी भाषा को अपनी संस्कृति को और मैं सही बताऊं मिसेज हरियाणा तभी बनी कि ऑलराउंडर एक ब्यूटी विद ब्रेन कहते हैं। मैं कॉलेज में प्रोफेसर भी हूं बच्चों को पढ़ाती भी हूं पीजी क्लासेस को तो मुझे नहीं लगता कि महिलाएं आज के समय में कोई कहीं पर भी किसी भी मंच पर कम है और सर ने एक शुरुआत की है ये मंच है अभी एक महिला ने भी बोला कि हम किसी से कम नहीं आज पता चला तो उनको एक शुरुआत मिली है तो मैं उनको सभी को कहूंगी कि आगे आओ और अपने ही क्षेत्र में सबके साथ जुड़कर इस चीज खातर तो ताली जो है तारी सारे खातर बाजे है क्योंकि भाई देखो टीचर है प्रोफेसर है न्यू कॉनिक भाई अनपढ़ है पढ़ी लिखी है लेकिन फिर भी संस्कृति क्यूकर के लेके चलना है वो बखूबी बेरा है ठीक है ना मैडम। बिल्कुल है ना आज जिस तरीके से ये जितनी भी फीमेल्स इकट्ठी हुई है कितना महत्व जो है आप आज इसका इस कार्यक्रम का देखो तीज और भैया रक्षाबंधन ये हमारा एक ऐसा त्योहार है जो भाई बहन के प्यार और प्रेम से बना हुआ है। जैसे तीज का त्योहार अभी इस पर अपने हरियाणा में कोथली देन भाई जाया करे और गुलगुले सुहाड़ी चूल्हा पर उतरा करे है तो वो त्योहार आज हम मना रहे हैं। भाई तरुण भाई साहब ने गुलगुले सुहाड़ी का प्रोग्राम भी बार कर रखा है। अच्छा। बिल्कुल कर रखा है सब खाके जाना आप लोग भी उसमें इन्वाइट हो खाके भी जावांगे और बांध के लेके भी जावांगे। सही बात है भाई देखो अगर इन सारी बाण इकट्ठी करी तो कोथली तो फिर देनी पड़ेगी आपने तो भाई ये क्यों गलत बात है नहीं बिल्कुल सही बात है कोथली है या कोथली है चलो जी हाँ जी ऐसे गुलगुले सुहाड़े खाए कि मेरे नाचन मेरे लिए ये भी खावांगे पहले नाचेंगे फिर तो खावांगे पहले पेट में जगह करिए पहले नाच के पेट में जगह करिए अब खावांगे क्योंकि आपने ना मैं कई जगह देखूं सारी जगह पहुंच जाओ सज धज के कोई मौका नहीं छोड़ो तो हम अपने कल्चर को आगे ऐसे ही तो बढ़ा सकते हैं ऐसे ही बढ़ाएंगे। और मैं इस मंच के माध्यम से कहती हूं कि अपने बच्चों को भी हमारे कल्चर से रूबरू कराएं। बिल्कुल अच्छा मैडम आपसे मैम क्योंकि सारे दमन पहन गए आप कुर्ता पजामा पहन के सारे मनियारे चाले हो मैं साथ देने आई ना हमारी परफॉर्मेंस है मैम के साथ। अच्छा ड्यो करने लगे हम देवर भाभी का वो करेंगे वाला भी तो चाहिएंगे जी नर बिना नारी पूर्ण नहीं है नर बिना नारी पूर्ण नहीं थोड़ा नुनन हो जाओ भाई। तो आज का जो कार्यक्रम है किस हिसाब से आपने क्या लगा कि आज ये जो लेडीज इकट्ठी हुई हैं किस तरीके से इन्हें संस्कृति तक जोड़ेगा या कॉन्फिडेंस इनका क्यों कर बिल्ड करेगा। कॉन्फिडेंस तो जब अगर एक ऐसी ऐसी संस्था हमें स्टेज दे देगी तो महिलाओं का कॉन्फिडेंस तो नेचुरल है बढ़ ही जाएगा बिल्कुल बढ़ना भी चाहिए और
और भाई तरुण जैन जी हमारे साथ हैं तो हम वैसे ही मैदान में उतर जाएंगे भाई के साथ। बिल्कुल मैदान में जुड़ जाएंगे। इन्होंने एक पंच से दो काज किए, आज आपका कार्यक्रम भी करवा दिया, पॉलिटिक्स की तैयारी भी इन्होंने कर दी है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम ऐसे ही इनका साथ देते रहेंगे, ऐसे ही बढ़ावा देते रहेंगे और खूब अच्छे वोटों से भी जिता देंगे। ये भाई बिल्कुल ये बात सच कह रहे हैं कि एक तरीके से दो काम साथ किए। देखिए वो कहते हैं ना कि हमारी छोरी आगे छोरे से कम है। ये छोरी छोरा से कम को नहीं, उनका तीन गुणी है। क्योंकि देखो भाई न्यू कह करे कि किसी एक मर्द ने एक नर ने अगर खुश कराना तो वो एक नर, अगर एक नारी खुश है तो पूरा परिवार खुश है। और भाई ये पूरा परिवार जो है तरुण जैन के लिए आज जुड़ा है। और भाई ये तस्वीर है तीज महोत्सव की, भाई तीज के रंग पूरे परिवार के संगा साथी दिखाए हैं, नाच गाना खूब मस्ती खाना सब कुछ जो है उरे था। और भाई लगातार देखो अपडेट ऑफ सिटी विग न्यूज हमने न्यू भी दिखाता रहो, बस जुड़े रहियो हमारे से थी। और भाई नीचे इस प्रोग्राम ने लेकर थारी राय के कमेंट बॉक्स में लिख के बताइयो। और एक बार तीज के नाम की हिप हिप हुर्रा कर दे, हिप हिप हुर्रा।